गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल शॉप डिटेक्टर। मैं मेघा आज आप लोग के लिए करेंट अफेयर्स के लेटेस्ट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हु बिकेम द 17th प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फार्मर्स योर वर्क कोऑपरेटिव। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी IFFCO के 17वें अध्यक्ष कौन बने? द करेक्ट आंसर इज डी, दिलीप संघानी। दिलीप संघानी इंडियन फार्मर योर वर्क कोऑपरेटिव के 17th प्रेसिडेंट बने हैं। IFFCO का हेडक्वार्टर्स कहाँ है स्टूडेंट्स? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये ईयर 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, हु बिकम अम्बेडकर ऑन द इंटरनेट पैनल ऑन UASG लैंग्वेजेस। UASG भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के एम्बेडकर कौन बने? द करेक्ट आंसर इज सी, विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा जो है इंटरनेट पैनल के एम्बेसडर बने हैं। Which word has been declared as the Children World of the Year 2021 in Oxford University Press? Oxford University Press में किस शब्द को वर्ष 2021 का Children World of the Year घोषित किया? The correct answer is D, anxiety. Oxford University कब establish हुआ था? 1096 में। इसके CEO कौन है? एंड्रयू डी हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान ICC मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर। पाकिस्तान ICC मेन T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं? द करेक्ट आंसर इज सी, बाबर आजम। बाबर आजम जो है पाकिस्तान ICC मेन T20 टीम ऑफ द ईयर के न्यू कैप्टन बने हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज चंचल कुमार, ऑप्शन नंबर बी। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कब स्टैब्लिश हुआ था? 2014। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है स्टूडेंट्स? नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। विच कंट्री ओल्डेस्ट पर्सन सैतुरिनो डीला फुएते पास्ड अवे। किस देश के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सैतुरिना डेला फुएते का निधन हुआ? वह किस देश में थे? सबसे ओल्डेस्ट पर्सन, द करेक्ट आंसर इज सी, स्पेन। सबसे ओल्डेस्ट पर्सन किस कंट्री के थे? स्पेन के। उनका एज कितना था स्टूडेंट? 112 ईयर्स ओल्ड थे वो। हु वॉन द $1 million जेनेसिस प्राइज 2021। किसने $1 million का जेनेसिस पुरस्कार 2021 जीता? द करेक्ट आंसर इज ए, एल्बर्ट ब्लूडा। पीजर कंपनी कब फाउंड हुआ था? 1849 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। इन विच स्टेट द स्टैचू ऑफ कैप्टन विक्रम बर्ता वॉज अनवील। किस राज्य में कैप्टन विक्रम बर्ता की प्रतिमा का अनिवारण किया गया? द करेक्ट आंसर इज डी, हिमाचल प्रदेश। स्टैचू ऑफ कारगिल वॉर हीरो परमवीर चक्र विनर कैप्टन विक्रम बर्ता वॉज इंस्टॉल इन पलमपुर आर्मी कंटेनमेंट हॉल्टा लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, इन विच कंट्री न्यू स्तारा वॉज डिक्लेयर एज अ न्यू कैपिटल। न्यू स्तारा को किस देश की अपनी नई राजधानी घोषित की गई है? द करेक्ट आंसर इज सी, इंडोनेशिया।
नुस्तारा किस देश का नया राजधानी बना है स्टूडेंट? इंडोनेशिया का। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी को कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। हु बिकेम द फर्स्ट इंडिया टू कम्प्लीट नासा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम? नासा के अंतरिक्ष वायु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? द करेक्ट आंसर इज सी, जानवी डोगेती, जानवी जेगती। नासा का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वॉशिंगटन। नासा कब फाउंड हुआ था? 1958 में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।